तो भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली पहुंचने वाली है, इसको लेकर गाइडलाइंस इस यात्रा के लिए जारी कर दी गई है। इस बीच बड़ी खबर इस यात्रा से जुड़ी हुई, आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं कर सकते तो ये यात्रा बंद कर दी जाए। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुप्रिया, पहले भी दो चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को गई जिसके बाद कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आई थी, अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए नहीं तो यात्रा रोके, कोई रिएक्शन आया? जी, इस समय कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो जयराम रमेश और उनके साथ अन्य जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, भूपेंद्र हुडा हो चाहे और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर सुबह से ही बहुत सारे लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, जयराम रमेश ने भी मास्क लगाया था और वो कह रहे हैं हम कोविड प्रोटोकॉल पहले भी फॉलो करते आए हैं, यानी कि वैक्सीन है कि नहीं है, बूस्टर डोज लगे हैं कि नहीं लगे हैं। और उसके साथ साथ अगर नई कोई गाइडलाइन सरकार लेके आ रही है तो उसको बताएं और उसको जो है पालन किया जाएगा। लेकिन साथ में ये भी ऐड कर रहे हैं कि सरकार जो है वो घबरा गई है और जो है इसी के चलते इस यात्रा को डिफेम और डिरेल करने की कोशिश हो रही है। जयराम रमेश ने सुबह हमसे जब उन्होंने बात करी तो ये बात कही है उन्होंने। इसके साथ साथ जो है ये भी बात आई है कि कल जो राहुल गांधी हैं उन्होंने नूह में जो है एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नए नए बहाने जो है सरकार लेके आ रही है, डे वन से उनके ऊपर पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं और अब जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का पूरी कांग्रेस पार्टी का कह रहे हैं कि पहले तो राहुल गांधी पर अटैक करते रहे, जब वो नहीं चला तो अब इस तरीके से यात्रा को रोक रहे हैं। और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की एमपी है लोकसभा की ज्योतिमणि जी, और ज्योतिमणि जी वो हैं जिनके यहाँ से यात्रा की शुरुआत हुई थी। इन्होंने ही जो है कन्याकुमारी में पूरा जो है अगर आपको याद होगा तो इस पूरे प्रोग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, तमिलनाडु से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। मैम, यात्रा जो है पहुंचने वाला है दिल्ली, हम लोग जो है इस समय फरीदाबाद में है और यहाँ से जो है शाम को बॉर्डर पर यात्रा पहुंच जाएगी, कल सुबह जो है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है। What do you have to say? Government is saying if you can't follow the protocols, then you have to stop the yatra. See, it is not a surprise to us. You have seen the crowd from starting from the Kanyakumari, and now crowd is keep increasing. The support, the love, the warmth which our leader Rahul Gandhi receives is obviously disturbed the government. This government never woke up for COVID in the past, despite Rahulji's repeated warning that COVID was going to affect India badly. The government was not in a mood to listen. That time you remember there was a parliament session on which we were all concerned because just to they want to topple the Madhya Pradesh government. There are so many rallies have happened. In the election going state, that time actually they don't feel there is a COVID protocol has to be on. There are millions of people have died due to lack of mask. यात्रा की अब दिल्ली में एंट्री होने वाली है लेकिन कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है।